गुड मॉर्निंग क्लास नर्सरी बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो चलिए आप भी अपनी इंग्लिश की कॉपी ओपन कर लीजिए। देखिए आज आप अपनी इंग्लिश की कॉपी में इस तरह से पहले डेट डलवा कर फिर फिल द करेक्ट मिसिंग लेटर। तो आपको इस तरह से ये लेटर्स दिए गए हैं जिनमें आपने जो आपको खाली स्पेस दिया गया है उन पे सही मिसिंग लेटर फिल करके इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जैसे लिखा गया है लेटर ए लिखा हुआ है, फिर उसके बाद देखिए स्पेस दिया गया है। तो यहाँ पे आप कौन सा लेटर फिल करेंगे, ए के बाद कौन सा लेटर आता है, यहाँ पे आता है लेटर बी। तो इस तरह से लिखेंगे आप। फिर देखिए फिर है सी लेटर, सी लेटर के बाद फिर देखिए स्पेस दिया गया है, तो सी के बाद कौन सा लेटर आता, यहाँ पे आएगा लेटर डी। फिर देखिए फिर है यहाँ पे लेटर ई, और ई के बाद भी खाली स्पेस दिया गया तो है, तो ई के बाद आएगा लेटर एफ। और फिर है यहाँ पे दिया गया लेटर जी, और जी के बाद भी खाली स्पेस है तो जी के बाद आएगा लेटर एच। तो इस तरह से आपको इन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है, जो एक स्पेस दिए गए हैं यहाँ पे सही लेटर फिल करना है। तो आप भी अपनी कॉपी में इस तरह से ए टू जी लेटर्स लिखकर इन्हें फिल करने की कोशिश करेंगे। और देखिए बच्चों, अब आपके क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाले हैं जो है आपके 12th May से, यानी वेनसडे से आपके क्या है फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, और जो आपके टेस्ट होंगे 25 मार्क्स के। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको ए टू एच लेटर्स लिखने होंगे, और इस तरह से आपको हमने कॉपी में आपका काम कराया है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर। आपको पिक्चर्स को देखकर उनका फर्स्ट लेटर लिखना है, और इस तरह से मैच द लेटर विद पिक्चर्स। तो आपको इस तरह से हमने आपको कॉपी में काम करवाया है। तो आपको इन्हें एक बार फिर से रिविज़न के तौर पर देखना है कि किस तरह से ये मैच करना सिखाए आपको, किस तरह से आपको पिक्चर को पहचान कर उनका फर्स्ट लेटर लिखना है। और बच्चों आपको कॉपी में ए टू एच तक लेटर्स भी लिखने हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे अपनी फर्स्ट यूनिट टेस्ट की। तो चलिए बच्चों, आप इस तरह से अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।